अस्सलाम वालेकुम ग्रेट थ्री, कैसे आप सब लोग? सुबह बखैर आप सब लोगों को। मैं आप लोगों की इस्लामियात की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बलवाल से। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग इस सबक में हम जो सब कुछ पढ़ चुके हैं हम उसको एक दफा दोहराएंगे। हम लोगों ने नमाज के बारे में पढ़ा था, तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था नमाज के बारे में? शाबाश, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नमाज जो है वो इस्लाम का दूसरा रुकन है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नमाज को अरबी जबान में सलात कहते हैं और सलात का मतलब होता है रहमत और दुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था, साथ साथ बताएं मुझे। शाबाश, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल ही क्या होगा? नमाज का होगा। और नमाज पढ़ने वाला जो शख्स है वो नमाज पढ़ने से पाक साफ रहता है, क्योंकि वो दिन में 5 बार जब वुजू करता है तो वो पाक साफ रहता है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है, इसको अरबी जबान में सलात कहते हैं, इसका मतलब होता है रहमत और दुआ। और कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा और जो शख्स नमाज अदा करता है वो पाक साफ रहता है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नमाज के आदाब। यकीनन ग्रेड 3 को पता होगा कि नमाज के कौन कौन से आदाब, तो आप लोग मुझे लिखवाएंगे कि नमाज के कौन कौन से आदाब। सबसे नंबर 1 पे, सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? वुजू करना चाहिए। नमाज पढ़ने से पहले हमें वुजू करना चाहिए और नमाजी का मुंह जो है वो किबला रुख होना चाहिए, खाना काबा की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद नमाज का वक्त पर अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नमाजी के दिल में दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए जगह और लिबास का पाक साफ होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? कि नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना बहुत जरूरी है, नमाजी का मुंह किबला रुख होना चाहिए और नमाज को वक्त पर अदा करना चाहिए और दुनियावी बातें जो है नमाज पढ़ते वक्त वो हमारे दिल में नहीं आनी चाहिए और नमाज पढ़ने की जगह और लिबास पाक साफ होना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज का बोर्ड वर्क, इसको रजिस्टर पे प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप लोग अपनी किताबें खोलेंगे, यहाँ पर दिन और तारीख लिखेंगे और मैं जो जो पढ़ाऊंगी साथ साथ अंडरलाइन करेंगे मुश्किल अल्फाज को और साथ साथ दोहराएंगे। नमाज के चंद आदाब, नंबर 1 पे देखें, नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना चाहिए, नमाजी का मुंह किबला की तरफ होना चाहिए, नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। आगे देखें, नमाज पढ़ते वक्त दिल में दुनियावी बातों के मुतल्लिक नहीं सोचना चाहिए। आगे देखें, उस वक्त पूरी तवज्जो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए, नमाज पढ़ने की जगह और लिबास पाक और साफ होना चाहिए, नमाज वाजमात अदा करनी चाहिए, वाजमात नमाज पढ़ने का सवाब अकेले पढ़ने से 27 गुना ज्यादा है, औरतों को घर में और मर्दों को मस्जिद में नमाज अदा करनी चाहिए, नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों की आज की किताब पढ़ाई थी, इसको 2 से 3 दफा दोहराना है और अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आप लोग अपनी कापियां खोलेंगे, दिन लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, घर के काम को टिक करेंगे और आज का अनुमान है नमाज के आदाब। हम लोग आज करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, नमाज पढ़ने के 3 आदाब लिखें। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने बहुत सारे नमाज के आदाब पढ़े हैं, तो उनमें से कोई भी 3 आप लोग लिख सकते हैं या फिर जो मैंने करवाए हैं आप लोग वो भी लिख सकते हैं। पहला आदाब है, नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना चाहिए। नंबर 2 पे है, नमाजी का मुंह
किबले की तरफ होना चाहिए। और आखिरी है नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसको लिखने के बाद अगले सफे पे जाएंगे, दिल लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, घर के काम को टिक करने के बाद मान है इल्लाह के पास। पहला लफ्ज है दुनियावी, दूसरा लफ्ज है सवाब, तीसरा लफ्ज है मुताल्लिक। प्यारे बच्चों, इसको पूरे सफे पे आप लोग मश करेंगे और उसके बाद आप लोग पूरे लेक्चर को याद करके रफ रजिस्टर पर उसका टेस्ट देंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह फिर।